ओसीडी एंजाइटी वाले लोगों के लिए आज के इस वीडियो में एक छोटा सा मैं टास्क लेकर के आया हूँ। उस टास्क को आपने कंप्लीट करना है। यदि उस टास्क को कंप्लीट कर लेते हो तो आपने देखना है कि आपकी खुद की ग्रोथ क्या होती है। चलिए समझते हैं कि टास्क क्या है और किस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। तो ओसीडी के हो, एंजाइटी के सफरर हो, डिप्रेशन के सफरर हो, ओवरथिंकिंग के सफरर हो, जो भी सफरर है मानसिक समस्याओं से सफरिंग कर रहे हैं, उन सबको क्या करना है कि एक छोटा सा टास्क मैं देने जा रहा हूं, उसको कंप्लीट करना है। किस तरीके से कंप्लीट करना है चलिए समझ लीजिए। आपने एक नोटबुक पेन लेना है और उसके अंदर अपने आप से जुड़ी हुई चीजें लिखनी है। क्या आप अपने जीवन में जिन चीजों के लिए आभारी हैं वह चीजें लिखें। कम से कम 10 से 20 ऐसी कोई चीजें लिखें जिनके लिए आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं 10 से 20? फटाक से अपना दिमाग चलाइए, जैसे ओसीडी के थॉट पे दिमाग चलाते हो ना, वैसे अपना दिमाग चलाइए, जल्दी जल्दी चलाइए कि ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं या 20 चीजें हैं मेरे जीवन में जिनके लिए मुझे आभार व्यक्त करना है। कौन सी 10 चीजें हैं जिनके लिए आप आभारी हैं? तो उन 10 से 20 चीजों को जल्दी जल्दी अपनी उस नोटबुक में लिख लीजिए। देखिए टास्क कंप्लीट करने वाला है, अगर इस टास्क को कंप्लीट करते हो ना तो आपके सोचने और समझने का जो नजरिया है ना वो चेंज हो जाएगा। और ओसीडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपका नजरिया ही तो चेंज करना है हमें। अगर इस टास्क को करते हो तो एक है ना, एक वो कहते हैं ना, एक दीवार है, वो दीवार टूटेगी और उसके पार जा सकोगे आप, ठीक है ना। तो इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए। जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके लिए आप आभार व्यक्त करना चाहते हो? कौन सी चीजें हैं करिए ना, लिखिए उनको, लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। और एक काम जरूर करना है, आपने कमेंट बॉक्स में भी इसका लिख करके भेजना है हमारे को। कमेंट बॉक्स में आप अपनी 10-10 चीजें लिखें, वो जो आपको प्रभावित करती है या जिसके लिए आपको आभार व्यक्त करना है। जिन 10 चीजों के लिए आपको आभार व्यक्त करना है ना, 10 चीजें 20 चीजें जो भी है, कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के दे दीजिए। लिखिए लिखिए लिखिए, आप लोग लिखने में बहुत कंजूसी करते हो। और मैं तो ये सोचता हूँ कि जो लोग अपने को ठीक करना चाहते हैं वो लोग किस तरीके का प्रण लेके बैठे हुए हैं। जल्दी जल्दी करिए, टास्क को पूरा करिए, बहुत अच्छा टास्क है, करिए कंप्लीट करिए, ठीक है। आपने इसको नोटबुक में नोट कर लेना है और कमेंट में मुझे लिख करके दे देना है। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।